हाँ, तो फाइनली हमने DSLR परचेस कर लिया है, दिख रहा होगा कैनन का है 200D Mark II, जिसकी कीमत ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो 47-48 हज़ार का है, जो मैंने ऑफलाइन लिया है और ये मुझे पड़ा है 46 हज़ार रुपये का। हाँ, जानता हूँ बहुत लेट हो गया कैमरा परचेस करने में, क्योंकि यूट्यूब पर अगर आप काम करते हैं तो आपको ज़रूरत होती है अपग्रेड होने की, अगर आप ग्रो कर रहे हैं, और अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। यही मेरे साथ भी हुआ है और मैं अपग्रेड नहीं कर पाया। हाँ, मैंने यूट्यूब से लाखों रुपए कमाए हैं, लेकिन ज़रूरतें फैमिली की, घर की इतनी, क्योंकि मेरे फादर नहीं हैं, तो जितना भी मैंने कमाया यूट्यूब से वो सब फैमिली, घर में ही ज़रूरतें पूरी हुई उसकी, और अपग्रेड नहीं कर पाया, अपने चैनल पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया। और अभी 6-7 महीने से मैं यूट्यूब पर रेगुलर हुआ हूँ। अगर आप मुझे शुरू से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं जॉब भी करता था, नाइट में यूट्यूब भी करता था। 6-7 महीने से रेगुलर हुआ हूँ और उसके बाद ही मैं नीचे यहाँ पर शिफ्ट हुआ, जो कि मैंने रेंट पर स्पेशली सिर्फ इसीलिए ही लिया है। और टेबल चेयर और लैपटॉप 1 साल पहले ख़रीदा था, जो कि यूट्यूब की इनकम से ही था बस, और कोई भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया। और अभी भी जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये भी शूट हो रही है Xiaomi के MIA1 मोबाइल से। इसी से ही मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करा था और आज तक वीडियो शूट कर रहा हूँ, और 4,25,000-26,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इसी मोबाइल से ही करा। शुरू में अगर आप चैनल बनाते तो कुछ भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक मोबाइल और वॉइस के लिए आपको 100-150 रुपये का एक माइक और लाइटिंग, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए होता। लेकिन जब आप ग्रो करते हैं तो आपको अपग्रेड होना पड़ता है, जो कि मैं नहीं कर पाया था। तो फाइनली एक छोटा सा सपना था और अपग्रेड हो रहे हैं, इसके बाद भी थोड़ा हम चेंज करेंगे। अब कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EFM। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मैंने कैमरा लिया है 46,000 रुपये का, ये यूट्यूब की इनकम नहीं है, ये मेरी वेबसाइट की इनकम है, जो कि kingtech24.com है, अगर आप जानते हैं तो वो ब्लॉग है जहाँ पर मैं टेक न्यूज़ वगैरह और एप्लीकेशंस वगैरह बताता रहता हूँ। तो उसकी ही इनकम का ये कैमरा है और यूट्यूब की इनकम में अभी भी यूट्यूब पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ज़रूरतें बहुत है और शुक्र है आप लोगों की मेहरबानी है, सपोर्ट है इतना कि जो वेबसाइट पर भी इतना प्यार मिल रहा है, और चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन खुश हूँ मैं। ओके, करते हैं अब इसकी अनबॉक्सिंग। और बॉक्स कुछ इस तरह से मिल जाता है, कैनन का EOS 200D Mark II, यहाँ पर लिखा हुआ है 1855 की लेंस किट साथ में मिल जाती है, 16GB का कार्ड आपको साथ में मिल जाता है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं जो कि मैं इसको पढ़ूंगा नहीं। और यहाँ पर कंटेंट यानी कि बॉक्स के अंदर आपको क्या मिल जाता है, चार्जर मिल जाता है, बैटरी पैक मिल जाता है, जूम लेंस 1855 का, और इसकी सील पहले ही ओपन हो गई थी क्योंकि मैंने ये ऑफलाइन लिया था, फिर भी हम इसको ओपन करते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पर देखने को मिलते हैं कुछ यूज़र मैनुअल जो कि हम कभी पढ़ते नहीं हैं, और कुछ डिटेल्स हैं ये क्वेश्चन आंसर की, आई थिंक यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये एक मोटी सी डायरी है जो कि कैमरे को कैसे यूज़ करना है, कौन कौन से पार्ट कहाँ पर हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। और ये है वारंटी कार्ड जो कि इस कैमरे की कैनन 200D Mark II की 2 ईयर की वारंटी है, जो कि सर्विस सेंटर से मिलती है। ओके, अब देखते हैं अंदर और क्या क्या है। तो पैकिंग इसी ऑलरेडी हमने दुकान पर खोल ली थी, लेकिन फिर भी आपको दिखाता हूँ। ये है चार्जर का बॉक्स, बैटरी का चार्जर, यहाँ पर बैटरी लगाकर चार्ज कर सकते हैं। और ये है चार्जर केबल जहाँ पर हम इस बॉक्स में इसको अटैच करेंगे और बैटरी लगाकर चार्ज कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से इसकी पिन मिलती है और घुमा फिरा के किधर से भी आप लगा सकते हो। और ये है बैटरी छोटी सी। और बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर 600 से 700 से आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, 5-6 घंटे की आप वीडियो शूट कर सकते हैं एक बार अगर फुल चार्ज कर लेते हैं। इसके बाद उठाते हैं अपने लेंस किट को, जो कि है 1855 का जूम लेंस, और वज़न है थोड़ा सा, आई थिंक इसमें 250 या 200 ग्राम का वज़न होगा या फिर इससे ज़्यादा भी होगा। क्वालिटी की अगर बात करें, काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी देखने में भी लग रही है, और अगर हम इसको पकड़ के देखते हैं ना तो मतलब काफ़ी प्रीमियम सा लुक इसका लगता है। तो अभी फ़िलहाल इसको हम बंद करके साइड में रख देते हैं। और ये है बेल्ट जिसको आप कैमरे में अटैच करके गले में टांग सकते हैं, अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो वहाँ पर इसको गले में लटका सकते हैं। और ये है हमारा मेन पार्ट कैमरा,
तो इसको कुछ इस तरह से अंदर से बाहर निकालते, पहले भी इसको बाहर निकाल चुके हैं इसलिए कुछ इस तरह से ही लग रहा है। फाइनली हमारे हाथ में आ चुका है कैमरा कैनन का 200D Mark II। वजन है इसमें भी, थोड़ा बहुत वजन तो लग रहा है, और यहाँ से हम लेंस लगा सकते हैं इसको खोल के। और ये एक मिररलेस कैमरा है, अगर आप सिंगल बंदे हैं खुद अकेले ही वीडियो शूट करते हैं, जो कि एक यूट्यूबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मिररलेस, तो ये मिररलेस है जिसको आप पूरी तरह से घुमा सकते हैं। और यह है फ्लैश जो कि फ़ोटो क्लिक करते टाइम काफ़ी यूज़फुल होती है, जो कि हर कैमरे में होती है। बाकी इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, नहीं और कुछ नहीं है। ओके तो इसका लेंस अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से पहले इसको हम खोलेंगे और उसके बाद उठाएंगे अपने जूम लेंस किट को, जो कि इस तरह से यहाँ से खोलना पड़ेगा। ये जो वाइट वाला है, वाइट के निशान से टच करके आप लगा सकते हैं घुमाकर, और इसको इस तरह से ओपन कर देंगे। ओके ये हमारा कैमरा हो गया रेडी। तो फाइनली गाइस हमने अनबॉक्स कर लिया है अपना कैमरा, जो कि देखने में कुछ इस तरह से है अगर आपको दिख रहा है तो। और वैसे इसमें बैटरी नहीं है अभी, और चार्ज करने के बाद फोटोज़ क्लिक करेंगे और वीडियो शूट करेंगे, और आने वाली वीडियोज़ में आपको दिखाएंगे इसकी क्या क्वालिटी। वैसे तो आने वाली वीडियोज़ इसी से ही शूट करूँगा, जो आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन गाइस अभी एक दो दिन हो सकता है वीडियो ना आ पाए, क्योंकि मैं ये सब कुछ चेंज करने वाला हूँ, पेंट वेंट करवाऊँगा, तो हो सकता है वीडियो लेट हो जाए, ना आ पाए एक दो दिन और, क्योंकि ईद भी आ रही। और ईद से याद आया आप सभी को ईद उल जुहा की ढेर सारी मुबारकबाद सभी को, और उसके बाद हो सकता है दो तीन दिन का गैप हो जाए, बट कुछ नया करेंगे, कुछ अपग्रेड करेंगे चैनल पर। कैमरा ले लिया और लाइटिंग वाइटिंग और पेंट वगैरह सब कुछ करेंगे, और आपका सपोर्ट प्यार इसी तरह से बना रहा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू, बाय बाय। और